हेलो पीपल, गुड आफ्टरनून। तो मेरे आज एक फ्रेंड ने बोला कि मुझे फैशन शो पे आ, मेरे आज है 19 जून, मैं उसके फैशन शो पे जा रहा हूँ। तो वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए वॉक करेगा और भी जन है वहाँ पे वॉक करने के लिए। तो मैं आ गया हूँ नवी मुंबई, तो अभी चलते हैं। ट्रेन लगी है, वो वाशी की लगी है, तो मैं ट्रेन के लिए वेट कर रहा हूँ। बट अभी हुए हैं 2:58 और वाशी की ट्रेन है 3:07, तो अभी वाशी पहुंचने में टाइम लगेगा मुझे, तो चलते हैं। गाइस गुड आफ्टरनून। तो मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाली फॉर सम रीजंस, अभी मेरी वीडियो आएगी कंटिन्यू। पहुंच गया हूँ वाशी स्टेशन, अभी यहाँ से चलते हैं ऑटो में। यहाँ से समथिंग 5-10 मिनट्स दूर है, तो यहाँ से ऑटो करते हैं। थोड़ी दूरी पर है, मुझे एक ऑटो वाले ने गाइड किया, तो बोला कि पैदल ही जाओ, क्या तुम ऑटो करोगे। तो यहाँ से वहाँ पे फैशन शो है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए फैशन शो है, तो सिडको ऑडिटोरियम स्टेशन के बाहर ही है। तो चलते रहा, मिल गया मुझे एग्जीबिशन सेंटर है ऑडिटोरियम, और यहाँ पे रास्ते एकदम बड़े बड़े हैं। और अभी यहाँ से एंट्री है और चलते हैं अंदर। ये गेट तो नहीं था, पीछे वाला अंकल ने बोला सामने वाली गेट है, तो पैदल कर करके मैं थक गया हूँ। तो अभी चलते हैं और देखते हैं फैशन शो कैसा है, क्योंकि मैंने जो पहले फैशन शो किया था वो भी बहुत अच्छा था मिस्टिक इवेंट्स की तरफ से। ये अलग है, मुझे गेट मिल गया और मैं अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे पड़ रही है बारिश, देख सकते हो धूप में भी बारिश पड़ रही है। तो चलते हैं अभी अंदर। ये देख रहे हो आप लोग सामने इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, इसके ऊपर है फैशन शो। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं मेरे फ्रेंड से। ये है ग्रूमिंग स्कूल प्रेजेंट चार्मिंग प्रिंस एंड प्रिंसेस इंडिया 2022। और अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है फैशन शो। इतना बड़ा ऑडिटोरियम है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए आया हूँ, क्योंकि फैशन शो में बैठने के लिए मतलब बहुत टाइम लग जाएगा मुझे उधर, तो इसके लिए मैंने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं यहाँ से। और बहुत ही अच्छा फूड मिलता है यहाँ पे चीप रेट में। यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस चल रही है और मेरा फ्रेंड भी वहाँ पे ही है, अभी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कितने सारे फैशन शो रैंप वॉक है। ज़्यादातर सबने इंडियन वेयर किया है, और रैंप वॉक पहले इंडियन का होगा, उसके बाद वेस्टर्न का होगा। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ तक स्टेज है, वहाँ तक उनको वॉक करना है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो स्टेज पे जो भी खड़े हैं उन्होंने इंडियन वेयर किया है, और उसके बाद फिर वेस्टर्न के लिए आएंगे लोग। तो वो जो पाजी दिख रहा है ना आपको, वो मेरा फ्रेंड है। और तो इसका आज फैशन शो है 19 जून संडे को,
और इसका नाम है सुखविंदर सिंह। तो इसने मुझे बुलाया था आज इसका फैशन जो देखने के लिए, तो थोड़ी लोगों को डिटेल्स दे कि तू यहाँ तक कैसे पहुँचा। डिटेल्स क्या है कि मेहनत करो, हमेशा अपने एम के ऊपर फोकस रखो कि मुझे ये बनना है, जो आपका वो है क्या बोलते हैं उसे, जो आपका ड्रीम है वो, बस उसके ऊपर वर्कआउट करो और मेहनत करो बस। हाँ, तो अभी ये शो मतलब अभी चालू होगा साथ में? ये चालू होगा 7:30 तक। मतलब तो ये ग्रूमिंग मतलब क्या हुआ? ग्रूमिंग मतलब यहाँ पे अपना पर्सनलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे, आंसर्स कैसे देना, वॉक कैसे करना, ये सब सिखाया जाता है इसमें। अच्छा, तो अगर आपको ये करना है आके, तो मैं इसकी डिटेल्स पूरी और डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो और नंबर भी मुझे दे देना तो मैं इनको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो मैं पूरी डिटेल्स डालता हूँ। फैशन शो हो गया ख़त्म और मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए, तो अभी जा रहा हूँ मैं ट्रेन पकड़ने। तो काफ़ी अच्छा ग्रूमिंग था, शो था, वॉक था, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए वॉक था, तो बहुत ही अच्छा शो था और मैंने पूरा शो देखा वहाँ पे बैठ के। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।